सो यह है मेरे पास एसर की तरफ से एसर 22 इंच फुल एचडी एलसीडी डिस्प्ले के साथ एक मॉनिटर, और इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसे यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इसमें बॉक्स के इनसाइड क्या कुछ देखने को मिलता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पर एक पावर एडेप्टर, उसके साथ ही VGA केबल और उसके साथ एक HDMI केबल जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ, और यहाँ पर एक ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाता है जो कि आप अगर VGA केबल यूज करते हो तो इसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ ही मेन मॉनिटर और उसके साथ एक स्टैंड, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस स्टैंड के बारे में बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पर रबर ग्रिप दिया गया है, अगर आप इसे कोई भी ग्लोसी जगह पर प्लेस करते हो देन इसमें ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन और इसके बाद डिस्प्ले का एक्चुअल क्वालिटी। तो बात करते हैं पहले डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन में ये काफी जबरदस्त मिनिमलिस्टिक लुक के साथ काफी क्वालिटी है। जब आप इसे सेटअप कर लोगे तो ये आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट फ्रेमलेस डिस्प्ले की तरह लगता है। यहाँ पर ऊपर के साइड और साइड साइड में थोड़ा बहुत ब्लैक एरिया के साथ है। एसर का ब्रांडिंग नीचे की तरफ सेंटर में है और इसके साथ ही एक व्हाइट स्ट्रैप के साथ प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये आता है। तो ओवरऑल ये मॉनिटर प्लास्टिक बिल्ड है, बैक साइड हमें प्लास्टिक देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में यहाँ कुछ पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं जैसे कि एक HDMI पोर्ट्स, एक VGA पोर्ट्स और इसके साथ ही एक 3.5mm हेडफोन जैक, मतलब कि इससे आप ऑक्स केबल भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ एक पावर अडेप्टर पोर्ट्स भी है जिसे कि आप इस मॉनिटर को पावर ऑन कर सकते हो। तो डिजाइन में ये व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ एक मिनिमलिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है और एक फीचर प्रूफ डिजाइन भी है। तो लुक वाइज ये मॉनिटर काफी बेहतरीन है। 21.5 इंच IPS LCD के साथ आता है, ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक लगता है क्योंकि एक फ्लैट डिजाइन के साथ मॉनिटर आता है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये कुछ स्मार्टफोन से भी स्लिमर है। तो डिजाइन वाइज ये काफी बेहतरीन है इसी प्राइस रेंज में, और जो भी मॉनिटर वगैरह अवेलेबल है उन सभी से ये डिजाइन के मामले में काफी बेहतर है। और दोस्तों बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है डिस्प्ले। यहाँ पर डिस्प्ले की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 21.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले है। इसके और भी वेरिएंट हैं जैसे कि 24 इंच के साथ और 28 इंच के साथ, लेकिन अगर उससे आप परचेस करते हो देन एक्स्ट्रा पेस करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास है ये 21.5 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ है। यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन दिया गया है और ये लैपटॉप IPS LCD पैनल को सपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जबरदस्त फीचर्स हैं जैसे कि AMD FreeSync, ब्लू लाइट शील्ड का ऑप्शन भी है और कंफर्ट व्यू मोड भी यहाँ पर दिया गया है। और डिस्प्ले एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो ये काफी जबरदस्त व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है इवन इन लाइट एरिया। ब्राइटनेस की यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस ये प्रोवाइड कर देता है। रेस्पॉन्स टाइम 4 मिलीसेकंड है, तो यहाँ पर आप अगर गेमिंग वगैरह भी करते हो देन आपको कोई भी डिले महसूस नहीं होगा। ये काफी क्विक है और रिस्पॉन्सिव भी है। ये एक काफी बेहतरीन मॉनिटर हो सकता है इसी प्राइस रेंज में क्योंकि ये अवेलेबल है अंडर 8K। तो बात करें अगर रियल यूसेज के बारे में तो इसे आप यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप में भी इसे एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह यूज कर सकते हो और इसे आप एक गेमिंग मॉनिटर की तरह भी यूज कर सकते हो। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में एक काफी जबरदस्त व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करता है एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले है इसी वजह से। और दोस्तों ये मॉनिटर काफी स्लिम भी है क्योंकि ये 6.6mm थिकनेस है। यहाँ तक इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट स्लिम है आईफोन से भी, आईफोन 13 और 14 से भी ये काफी स्लिम है। हाँ, नीचे की तरफ केबल और ये अडेप्टर की मैकेनिज्म की वजह से काफी थिकनेस दिया गया है, लेकिन ऊपर डिस्प्ले में ये काफी स्लिम है। तो दोस्तों रिसेंट कुछ टाइम से मैं इसे ऑलमोस्ट एवरीडे यूज कर रहा हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। डिस्प्ले के मामले में ये बेहतरीन है, डिजाइन में भी काफी सही है। अगर आप इसे गेमिंग के लिए चूज करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट, और अगर आप नॉर्मल यूसेज के लिए भी चूज करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। और दोस्तों परचेस करने से पहले आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको प्रो लेवल का बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक ही है। जैसे कि ये फुल बॉडी प्लास्टिक है तो आपको महसूस हो जाता है कि ये लो बिल्ड क्वालिटी है। और सेकेंडली डिस्प्ले, जब भी आप ऐसे बहुत ही नजदीक से मॉनिटर को देखते हो देन आपको
पिक्सल फील हो जाता है। मतलब कि अगर आप लो क्वालिटी का कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो या फिर कोई भी पेज वगैरह ओपन करते हो, देन आपको ये फील हो जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 1080p डिस्प्ले ही है। स्क्रीन साइज के हिसाब से ये थोड़ा बहुत कम लगता है और पिक्सल वगैरह शो हो जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से लेकर डिजाइन काफी सब कुछ सही है यहाँ पर। और दोस्तों पर्सनली अगर मैं ओपिनियन दूं तो यहाँ पर डिजाइन काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है और मैंने भी इसी मॉनिटर को डिजाइन के लिए ही प्रीफर किया है। अगर आप चाहो तो इसके बदले में और भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये डिजाइन के मामले में काफी जबरदस्त है। इसे मैंने परचेस किया था ऑलमोस्ट 7000 के आसपास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।